हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर पथ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आज के क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट। दोस्तों, अल्फ़ाबेट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जीरो लेवल से हाई लेवल तक के, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और हर टॉपिक को ईजिली समझेंगे। दोस्तों, आपके हर एग्ज़ाम में, आपका SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, ट्रिक आपको नहीं पता, तो इसको सॉल्व करने में आपको समय ज़्यादा लगा देंगे। और एग्ज़ाम में टाइम का क्या इंपॉर्टेंस रहता है आप लोगों को पता है। दोस्तों, यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, चलिए समझते हैं आज अल्फ़ाबेट टेस्ट को। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को आप इजीली तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इनके प्लेस ऑफ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इनके प्लेस ऑफ वैल्यूज़, जैसे ए की प्लेस ऑफ वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, जेड की 26 है, इस तरह के इनके प्लेस ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होने चाहिए। प्लेस ऑफ वैल्यू पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों, एकदम सिंपल वे में आप इसको याद कर सकते हैं सी फ्लोरेक्स के ज़रिए। दोस्तों, सी फ्लोरेक्स की हम बात करें तो ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 का टेबल जिसको याद है वो इस तरीके से इनके प्लेस ऑफ वैल्यू को आराम से इजीली याद कर सकता है। दोस्तों, अल्फ़ाबेट टेस्ट में टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 8 टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। मैं इनके बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूजुअल, यानी A to Z आपको दिया रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला, इस टाइप से ए से जेड तक लिखे रहेंगे। अब आपसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें अक्षर के बाएं, 3रे अक्षर के दाएं, चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपसे बोलेगा रिवर्स ऑर्डर, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर उस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। फिर आपसे बोलेगा प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए, फिर आपसे बोलेगा द्वितीय अर्धांश को चेंज किया जाए, कर दिया जाए, फिर आपसे बोलेगा दोनों अर्धांश को चेंज कर दिया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अपने पहले टाइप को, यूजुअल यानी A to Z के। दोस्तों, एक कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि लेफ्ट से राइट रहेगा तो वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे। राइट से लेफ्ट रहेगा तो वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा तो वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि राइट से राइट रहेगा तो वैल्यू को घटा देंगे। इन सबको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टाइप, यूजुअल यानी A to Z कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बावें से 20वें अक्षर के बावें 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक तरीके से देखें, अपने अल्फ़ाबेट्स के तरीके से देखें, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, वो उधर से राइट साइड होता है। यदि हम इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, उधर से इधर आएंगे तो राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला से बाएँ से 20वें अक्षर, बाएँ से 20वां अक्षर टी के बाएँ, के बाएं 10वां अक्षर, टी के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, टी के बाएं 10वां अक्षर जे, टी के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, जे। लेकिन दोस्तों, हम लोग इस तरह लिख के इस क्वेश्चन को नहीं हल करेंगे, जो हमने फार्मूला बताया उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से यानी बाएँ से 20वें, बाएं से 20वें के बाएं 10वें, 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, अभी हमने एक फॉर्मूला दिखाया कि लेफ्ट लेफ्ट दिखेगा तो आपस में क्या करना है, घटा देना है। यदि लेफ्ट से लेफ्ट रहे तो आपस में क्या करना है, वैल्यूज क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी कि 20 में से आपको 10 को माइनस करोगे तो क्या हो गया, लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 10वां अक्षर जे, जे इज राइट आंसर, जे हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर यानी लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाएं, यानी राइट से 6वां अक्षर के बाएं
पंद्रहवां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों यदि वैल्यू हमारी लेफ्ट से राइट है तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ को जोड़ देते हैं। लेफ्ट से राइट रहती है वैल्यूज़ की क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेफ्ट से राइट है वैल्यूज़ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 12 6 18, लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 15, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया, जोड़ दिया। 12 6 18, इन वैल्यूज़ क्या किया हम लोगों ने, जोड़ दिया। अब क्या करना है, यदि लेफ्ट से लेफ्ट रहे तो वैल्यूज़ क्या करते हैं, यदि लेफ्ट से लेफ्ट रहता है तो वैल्यूज़ क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 18 में से 15 घटाओ, लेफ्ट से 3, लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से तीसरा अक्षर सी, सी हमारा आंसर रहा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 25वें अक्षर, बाएँ से 25वें अक्षर के बाएँ 22वें अक्षर के दाएँ 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यदि वैल्यूज लेफ्ट से लेफ्ट रहेगी तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ को घटा देते हैं। लेफ्ट से लेफ्ट रहती तो वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। यानी 25 में से 22 को माइनस करोगे तो लेफ्ट से कितना आ गया, 3 हो गया, राइट से 8। और लेफ्ट और राइट रहता है आपस में क्या करते हैं, वैल्यूज़ को, यदि लेफ्ट और राइट रहता है वैल्यूज आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी कि कितना हो गया, लेफ्ट से 11। लेफ्ट से 11 कौन सी संख्या होती है, लेफ्ट से 11 कौन सी संख्या होती है, के हमारा आंसर रहा। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों यदि वैल्यू हमारी राइट से लेफ्ट है तो क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। राइट से लेफ्ट रह जाते हैं तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो राइट से क्या होगा, राइट से 17 और 7 17 3 20 और 4 24, राइट से 24 और क्या होगा अपना, राइट से 14। और राइट से राइट रहता है तो वैल्यू क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो अब 24 में से 14 को घटा दो क्या आएगा, राइट से 10वां। यदि दोस्तों राइट से 10वां अक्षर आता है तो हम लोग क्या है, राइट से वैल्यूज़ को कैसे याद करते हैं, ये हम लोगों ने नहीं सीखा है। हम लोगों ने क्या सीखा है, लेफ्ट से वैल्यूज़ को कैसे याद किया जाता है ये हम जानते हैं। यदि राइट से आंसर आता है तो इसको आप लोग लेफ्ट में चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट में चेंज करने का तरीका ये है कि 27 में से 10 को आप माइनस कर दो, 27 में से 10 को माइनस करोगे तो वैल्यूज लेफ्ट में आ जाता है। यानी लेफ्ट से हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 27 माइनस 10 कितना आ गया, 17। तो लेफ्ट से अब हो गया 17। लेफ्ट से 17वां मान किसका होता है, लेफ्ट से 17वां क्यू हमारा आंसर रहा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें यानी लेफ्ट से 15वां अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैल्यू लेफ्ट से राइट है तो वैल्यू क्या होंगी आपस में, लेफ्ट से राइट है तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यानी लेफ्ट से 15 10 25 और फिर R5। और लेफ्ट और राइट वैल्यू क्या होंगे आपस में, ये लेफ्ट और राइट भी वैल्यू क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो गया आपका, लेफ्ट से 25 और 5 30। अब दोस्तों लेफ्ट से 30, अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 1 से 26 तक, अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 1 से 26 तक। तो हम लोग करना क्या है कि इस 30 में से
26 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4 है, यानी लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 मतलब कौन सा आंसर होगा अपना, डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से दसवें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरी क्वेश्चन को हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से बाएं से दसवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तरीका एकदम वही, वैल्यूज लेफ्ट लेफ्ट से लेफ्ट है तो वैल्यूज क्या होते हैं, घट जाती हैं, यानी लेफ्ट से दस में से पाँच को माइनस करोगे 5, और फिर लेफ्टी है तो घटा देंगे वैल्यू, अब फिर क्या है लेफ्ट से लेफ्टी है तो वैल्यू क्या होगी, फिर घटेगी। लेकिन अब क्या करना है, 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट से माइनस 4 वैल्यू आएगा। तो दोस्तों जब भी माइनस 4 वैल्यू आता है, यदि अपनी वैल्यूज माइनस में है तो क्या करेंगे, 26 में से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, 26 में प्लस 26 में से इसको घटा देंगे, यानी प्लस 26 में से इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा वैल्यू अपना, 26 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से 22, लेफ्ट से 22 अपना वैल्यू क्या होती है, वी की, किसकी होती है लेफ्ट से 22 की, वी की, वी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में 23वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या है, लेफ्ट से लेफ्ट है तो वैल्यू क्या होंगी, लेफ्ट से लेफ्ट है तो वैल्यू क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी कि लेफ्ट से यदि 23 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13, 23 में से 10 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 13, और राइट से 25। अब क्या है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लेफ्ट से राइट में वैल्यू क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, लेफ्ट से यदि राइट में वैल्यू जाती है तो क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो चलिए इनको इनको जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट से कितना आएगा, 38। लेफ्ट से 38वां अक्षर कौन सा होगा, अपने लेटर्स कितने होते हैं, 26, और वैल्यू कितना है लेफ्ट से, 38वां अक्षर, तो क्या करना रहता है, क्या करना रहता है, 38 में से 26 को आप माइनस कर दोगे, क्या करना है, इसमें से 26 को माइनस कर दोगे कितना वैल्यू आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा, 12, कितना आएगा लेफ्ट से, 12, 8 में 6 गए 2, 3 में से हो गए 1, लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होता है, यल, यल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर, लेफ्ट से बाएं से चौथे अक्षर के दाएं आठवें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं आठवें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। 20वां अक्षर कौन सा होगा, 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से राइट की वैल्यू क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 8 4 12, लेफ्ट से 12 और राइट से 20, राइट से
राइट्स क्या हुए 20। अब क्या करना है दोस्तों, और फिर लेफ्ट और राइट क्या होंगे वैल्यू, लेफ्ट से राइट जाता है तो वैल्यू क्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैल्यू क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। तो चलिए जोड़ देते हैं इनको, कितना हो गया लेफ्ट से 232। अब लेफ्ट से 32 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वही अपना अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, तो क्या करना है 32 में से आपको 26 को माइनस कर देना है, 32 में से क्या करना है 26 को माइनस कर देना है, तो यानी 32 माइनस 26 इक्वल टू 6, 26 ठीक। तो लेफ्ट से छठवां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से छठवां अक्षर एफ, एफ इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से 16वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट है वैल्यू क्या होगी आपस में घट जाती हैं, तो लेफ्ट से कितना हो गया 16 में से 10 को माइनस करोगे तो 6 और फिर 12। अब लेफ्ट से लेफ्ट क्या होंगी वैल्यू आपस में, लेफ्ट से लेफ्ट है वैल्यू क्या होती घट जाती हैं, तो लेफ्ट से 12 में 6 को माइनस कर दो तो कितना आया माइनस 6। लेफ्ट से यदि 12 लेफ्ट से 12 में से 6 को माइनस करोगे तो माइनस 6, यदि वैल्यू अपनी माइनस 6 में आती है तो क्या करते हैं हम लोग 26 से प्लस 26 को घटा देते हैं इसमें से, तो कितना होगा प्लस 26 उसमें घटा दो तो 26 में से 6 को घटाएगा तो लेफ्ट से कितना आएगा 20, और लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा होता है टी, लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा होता है टी, टी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये तो हमारा रहा यूजुअल यानी कि सामान्य अल्फाबेट्स जो है वो एकदम सामान्य यानी ए टू जेड ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स ऑर्डर, चलिए अब हम लोग देखते हैं रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, दूसरा नंबर है अपना रिवर्स ऑर्डर। चलिए दोस्तों रिवर्स ऑर्डर का ये पहला क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर में यानी रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है जेड से स्टार्ट होता है, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, so and so, B, A, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर अपना स्टार्ट होता है। रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं, चौथे अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसमें लिखे हैं बाकी सब में शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से यानी राइट से, दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट से चौथे अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा, 23वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपको रिवर्स ऑर्डर में मिले, रिवर्स ऑर्डर में यानी इस तरह में क्वेश्चन में लिखा रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो दोस्तों हम लोग करना क्या होता है रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन में, जहां राइट दिया है यानी जहां दाया दिया है उसको बायां कर दो और जहां बायां दिया है वहां दायां कर दो बस, और कुछ चेंजेस नहीं करना, बाकी जिस तरीके से पीछे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरीके से सॉल्व करना है, केवल क्या करना है राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट फिर राइट को लेफ्ट, बस यही इतना परिवर्तन रहता है, यानी जबको जहाँ आपको दायां दिखे वहां बायां कर दो, जहां बायां दिखे वहां दायां कर दो, बस इतना ही करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और समझ में आ जाएगा, राइट से 21वां क्या करना है इसको लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट से 21वां अक्षर, फिर लेफ्ट से चौथा अक्षर है इसको राइट कर दीजिए, राइट से चौथा अक्षर, फिर आपको दिया है राइट से 23वां अक्षर इसको आप लेफ्ट कर दिए, लेफ्ट से
23। अच्छा, अब उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए जैसे आप लोग करते थे। अब क्या करना है, लेफ्ट और राइट है, वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट से वैल्यू राइट में जा रही है तो वैल्यू क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। 21 4 25, लेफ्ट से 25, फिर क्या है अपना लेफ्ट से 23। अब क्या करना है, लेफ्ट 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 से लेफ्ट रहता है तो वैल्यू क्या होती है, आपस में घट जाती हैं। लेफ्ट से लेफ्ट रहता है तो वैल्यू क्या होती है, आपस में घट जाती हैं। तो 25 में तो आप 23 माइनस करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट से 25 में से 23 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। लेफ्ट से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या होता है, बी। लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या आएगा, बी, क्योंकि हमको इसमें नहीं देखना है, हमने क्या है परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, इसे पुराने फॉर्म में ला दिया है, जहाँ राइट था वहाँ लेफ्ट कर दिया, जहाँ लेफ्ट था वहाँ राइट कर दिया, जहाँ राइट था वहाँ लेफ्ट कर दिया। तो क्या करना है, हमारे एकदम सीधे पोजीशन में आ गया, यानी इस वाले टेबल में आ गया। तो क्या हो गया, लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या होता है, बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो राइट से पाँचवा अक्षर, राइट से दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपसे पूछे दाहिने से पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। हमने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन आपको रिवर्स ऑर्डर में मिले तो जहाँ राइट दिखे, जहाँ दाहिना दिखे उसको क्या करना है, लेफ्ट यानी बायां कर देना है, और जहाँ बायां दिखे उसको क्या करना है, दायां कर देना है। तो चलिए चेंज कर दीजिए पहले इसको, ये हो गया लेफ्ट से 5, ये हो गया लेफ्ट से 2, ये हो गया राइट से 21। अब सेम तरीके से जैसे पीछे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ इसमें है नहीं। वैल्यू लेफ्ट से लेफ्ट हैं तो क्या होती हैं, वैल्यू घट जाती हैं। जब भी वैल्यू लेफ्ट से लेफ्ट रहती है तो वैल्यू क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी कि 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से 3 और राइट से 21। अब क्या करना है, लेफ्ट से राइट वैल्यू क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। लेफ्ट से वैल्यू यदि राइट में जाती हैं तो वैल्यू क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यानी 21 और 3 24, लेफ्ट से कितना हो गया, 24। लेफ्ट से 24वां अक्षर कौन सा होता है, एक्स, एक्स इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपसे पूछे बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपसे पूछे बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या करना है, जब भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन रहता है, जहां लेफ्ट दिखे उसको राइट कर देना है, जहां राइट दिखे उसको लेफ्ट कर देना है, यही परिवर्तन करना रहता है। तो आप चलिए करके देख लेते हैं। ए लेफ्ट है, इसको राइट से 20, लेफ्ट से 6 और फिर लेफ्ट से 4। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि वैल्यू राइट से लेफ्ट जाता है तो वैल्यू क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यदि राइट से लेफ्ट जाते हैं तो वैल्यू क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो गया अपना, ये राइट से 26 और लेफ्ट से 4। अब क्या होता है, फिर जहां आपको लेफ्ट और राइट रहो तो वैल्यू क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। फिर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो वैल्यू क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो गया, राइट से 26 और 4 30। अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे, 26। तो क्या करना है इसमें, पहले तो इसको आप 26 से माइनस करो। क्या करना है इसमें, माइनस 26। अब क्या आ गया आपका, राइट से 30 में से 26 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। राइट से 4, लेकिन हम लोगों को वैल्यूज लेफ्ट साइड से ही काउंट करना आता है, राइट साइड से हम लोग काउंट करना नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से इसको 4 को माइनस कर दोगे तो वैल्यू लेफ्ट में आ जाती है। तो आप माइनस कर दीजिए इसमें, 27 माइनस 4 कितना आ गया आपका, 23। तो क्या हो गया आपका, लेफ्ट से 23 आ गया। 27 में से 4 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी। तो
क्या होगा, लेफ्ट असंतुलित सामा अच्छा कौन सा होता है, W, W इज द राइट आंसर। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी प्रथम अर्धांश को चेंज करने के बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने बैसावें अक्षर के बाएं उन्नीसवां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों प्रथम अर्धांश का मतलब ये होता है जो हमारा ए नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ए से जेड तक, तो ये एम तक क्या होता है यानी 13 लेटर ए है, फर्स्ट हो गया ये अपना सेकेंड, इन्हीं फर्स्ट अर्धांश को फर्स्ट हाफ को उसने रिवर्स में क्वेश्चन को दिया है, तो रिवर्स कर दिया है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्या होता है हम लोग क्या कैसे लिखे हैं इसका ए बी सी डी ई एफ जी एच इस टाइप से लिखते हैं। दोस्तों यदि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम अर्धांश में तो हम लोग करना क्या रहता है, तेरह एक चौदह, बारह दो चौदह, ग्यारह तीन चौदह, दस चार चौदह, नौ पाँच चौदह, आठ छः चौदह, सात सात चौदह, आठ छः चौदह, नौ पाँच चौदह, दस चार चौदह, ग्यारह तीन चौदह, बारह दो चौदह और तेरह एक चौदह, यानी कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों के उल्टे क्रम में लिख के क्वेश्चन पूछे तो जो भी वैल्यूज आती है उसमें हम लोगों को 14 में से माइनस करके आंसर देना पड़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से यानी लेफ्ट से, तो बाएं से यानी लेफ्ट से, लेफ्ट से चौथे अक्षर के दाहिने यानी राइट से बाईसवें अक्षर के बाएं उन्नीसवां अक्षर कौन सा होगा, उन्नीसवां अक्षर कौन सा होगा, के लिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू लेफ्ट से राइट में तो वैल्यू क्या होती हैं आपस में, लेफ्ट से राइट में वैल्यू रहती हैं क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, 22 और 4 26 यानी लेफ्ट से 26 और लेफ्ट से 19। अब वैल्यू यदि लेफ्ट से लेफ्ट में है तो क्या होती हैं आपस में घट जाती हैं, वैल्यू ये लेफ्ट से लेफ्ट जाती हैं तो 19 क्या होती है वैल्यू आपस में क्या होती हैं घट जाती हैं, यदि लेफ्ट से लेफ्ट में वैल्यू आपस में क्या होगी घट जाएंगी, यानी 26 में से 19 को माइनस करूँ कितना आएगा लेफ्ट से 7। अब कहना क्या है हम लोगों को, जो 14 है 14 में से 7 को माइनस कर दो यानी 14 माइनस 7 लेफ्ट से 7 या लेफ्ट 7वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट 7वां अक्षर जी, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से राइट से पांचवें, राइट से पांचवें अक्षर के बाएं ग्यारहवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो राइट से पांचवें अक्षर के लेफ्ट ग्यारहवें अक्षर के लेफ्ट आठवें अक्षर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट से यदि वैल्यू लेफ्ट से राइट में है तो वैल्यू क्या होंगी आपस में जुड़ जाती हैं, राइट से लेफ्ट वैल्यू तो आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो राइट से कितना हो गया 11 5 16, लेफ्ट से हो गया 8। अब फिर वैल्यू लेफ्ट से राइट से लेफ्ट है तो फिर वैल्यू क्या होती है आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा आपका राइट से 16 8 24। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग राइट से इसको हम लेफ्ट में पहले चेंज कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे जो राइट से है तो राइट क्या करेंगे पहले हम लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं, तो क्या करना 27 में से माइनस कर देना है 27 माइनस 24, तो क्या हो गया आर का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी राइट से तीसरा अक्षर सॉरी लेफ्ट से तीसरा अक्षर हो गया, लेफ्ट से तीसरा अक्षर। अब क्या करना है प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा है तो 14 में से माइनस कर देना है, तो 14 में से माइनस कर दो आप, 14 माइनस 3 कितना हो गया लेफ्ट से ग्यारहवां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से ग्यारहवां अक्षर के इज द राइट आंसर। तो चलिए दो क्वेश्चन और समझते हैं इस पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो राइट दाहिने से छठवें अक्षर
दाहिने से छठवें अक्षर, के बाएं 18वें अक्षर, के दाहिनी 15वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से छठवें अक्षर, के बाएं 18वें अक्षर, के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वैल्यू राइट से लेफ्ट है तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। वैल्यू राइट से लेफ्ट में है तो वैल्यू क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो गया, राइट से 24, फिर राइट से 15। यदि वैल्यू राइट से राइट हो तो आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। यदि राइट से राइट है तो वैल्यू आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। तो क्या हो गया, राइट से 24 में से 15 को माइनस करोगे कितना आएगा, 24 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9। अब आ गया राइट से 9, तो क्या करना है, इसको पहले लेफ्ट में हम लोगों को चेंज करेंगे, क्योंकि वैल्यू हम लोग लेफ्ट में ही याद किए हुए हैं, लेफ्ट से ही गिन सकते हैं। तो लेफ्ट में याद करने का तरीका क्या होता है, 27 में से 9 को माइनस कर दो, यानी 27 माइनस 9 क्या हो गया आपका, लेफ्ट से 18 क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 18। यही हमारा लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 18वां अक्षर आर। इसमें 14 में से माइनस नहीं होगा क्योंकि ये प्रथम अर्धांश के आगे का है, ये 14 इसके अंदर में होता तो आता इसका, ये 18 है प्रथम अर्धांश के ऊपर का है। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट से 18वां अक्षर क्या होता है, आर। राइट, आर हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो लेफ्ट से 17वें अक्षर, के बाएं 15वें अक्षर, के दाहिनी 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर, के बाएं 15वें अक्षर, के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि वैल्यू लेफ्ट से लेफ्ट हैं तो आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। लेफ्ट से लेफ्ट में वैल्यू रहती हैं तो आपस में क्या होती है, घट जाती है। यानी 17 में से 15 को माइनस कर दो तो कितना होगा, लेफ्ट से 2 और राइट से 9। अब लेफ्ट और राइट आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। वैल्यू लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो गया अपना, लेफ्ट से 9, 2, 11, लेफ्ट से 11। अब प्रथम अर्धांश के अंदर है तो इसमें क्या करना है, 14 में से इसको माइनस करना है। क्या करना है, 14 में से माइनस करना है, 14 माइनस 11। तो लेफ्ट से कितना हो गया, लेफ्ट से तीसरा स्थान क्या होता है, लेफ्ट से तीसरा स्थान सी, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये तरह हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी प्रथम अर्धांश के अक्षरों के यदि उल्टे क्रम में लिख के क्वेश्चन पूछा है तो इस टाइप से पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड हाफ रिवर्स, यानी द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलिए देखते हैं। यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने, 5वें अक्षर के दाहिने, 16वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों इसमें क्या है, ए हो गया हमारा फर्स्ट प्रथम अर्धांश जो एकदम उसमें वे में है, ए सेकंड अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि जेड का मान कितना होता है, 26, और इसमें क्या है, 14, 26 और 14 40, 25 15 40, 16 24 40, 17 23 40। इसमें क्या है, यदि क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश में क्वेश्चन आपको पूछे तो आंसर आपको 40 में से माइनस करके आंसर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कंसेप्ट समझ में आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से यानी लेफ्ट से तीसरे अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर, के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें करना क्या है, वही तरीका, यदि वैल्यू लेफ्ट से राइट में है तो क्या होंगे, वैल्यू आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट से 5, 3, 8,
और राइट से 16वां, राइट से 16वां अक्षर, अब लेफ्ट से राइट वैल्यू क्या होंगे, ए भी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16 8 24, लेफ्ट से 24। अब इसमें क्या करना है, इसको 24 में से माइनस करके आंसर करना है, यानी 40 में से, 40 माइनस 24, लेफ्ट से कितना हो गया आपका, लेफ्ट से 16, 40 में से इस 40 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आएगा 16, लेफ्ट से 16वां अक्षर कौन सा होता है, पी, पी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने, आठवें अक्षर के दाहिने, 11वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने से आठवें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यदि वैल्यू लेफ्ट से राइट है तो वैल्यू आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, लेफ्ट से कितना हो गया 8 6 14, और फिर लेफ्ट से राइट है तो क्या होंगे आपस में वैल्यू, जुड़ जाएंगे 14 11, लेफ्ट से 14 और 11 कितना हो गया अपना 25, लेफ्ट से 25। अब क्या करना है, वैल्यू में 40 में से इसको माइनस कर दो, 40 माइनस 25, तो क्या आएगा अपना लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 15वां अक्षर ओ, ओ इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 25वें, दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने, के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वैल्यू लेफ्ट से राइट है और राइट से राइट है तो वैल्यू आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, राइट से वैल्यू राइट में जाते हैं तो क्या होते हैं, वैल्यू आपस में घट जाती हैं, 25 में से 10 को माइनस कर देंगे तो राइट से 15, फिर राइट से 5, फिर वैल्यू क्या होंगे, राइट से यदि राइट जाते हैं वैल्यू आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, तो क्या हो गया अपना राइट से 15 में से 5 को माइनस करोगे 10। अब क्या करना है, पहले राइट से हम लोगों को लेफ्ट में चेंज करना है, तो क्या करते हैं 27 में से इसको माइनस कर देंगे, क्या करना है 27 में पहले इसको माइनस करो तो अपना वैल्यू क्या हो गया, लेफ्ट में आ जाएगा, यानी 27 माइनस 10 कितना हो गया, लेफ्ट से कितना हो जाएगा 17, अब लेफ्ट से क्या हो गया 17। अब क्या करना है इसको, अब इसको 40 में से माइनस करके आंसर देना है, यानी कि 40 माइनस 17, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 23, लेफ्ट से तो 23 कौन सा आंसर होगा अपना, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरह प्रथम अध्यांश, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट टाइप सीखते हैं, बोथ हाफ रिवर्स, यानी दोनों अर्धांशों को अक्षरों के यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों बोथ हाफ रिवर्स है, यदि दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे पूछता है। दोस्तों यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के दाहिने, 6वां अक्षर कौन सा होगा, दोनों अर्धांशों के यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है इसको भी हम उल्टे क्रम में लिख दिया है और जो सेकंड हाफ है उसको भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसका आंसर इस तरह से करना है, यदि आंसर हमारा प्रथम अर्धांश के अंदर आता है तो 14 में से माइनस करके आंसर करेंगे, यदि द्वितीय अर्धांश में आता है आंसर तो 40 में से माइनस करके आंसर करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से यानी लेफ्ट से 16वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के दाएं,
छठवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करना क्या रहता है वही, यदि वैल्यू लेफ्ट से राइट है तो क्या होगा, वैल्यू आपस में, यदि वैल्यू लेफ्ट से राइट है तो वैल्यू आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, लेफ्ट से 16 8 24, राइट से 6। अब फिर क्या है, वैल्यू लेफ्ट से राइट में जा रहा है, वैल्यू आपस में क्या होंगे, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, वैल्यू आपस में जुड़ जाते हैं। तो लेफ्ट से कितना होगा, 24 और 6 30, 24 और 6 30। अब हमारा आंसर किस में आया है, द्वितीय अर्धांश में, तो इसको क्या है, 40 में से माइनस करके आंसर करना है। तो 40 माइनस 30 इक्वल टू कितना हुआ, 10, यानी लेफ्ट से 10। लेफ्ट से दसवां अक्षर कौन सा होता है, जे, जे इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से यानी लेफ्ट से दसवें अक्षर के दाहिने 12वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से दसवें अक्षर के दाहिने 12वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वैल्यू लेफ्ट से राइट है तो वैल्यू आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट से 12 10 22 और राइट से तीसरा। अब फिर वैल्यू क्या आ गया अपना, लेफ्ट से राइट, तो वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे। तो क्या हो गया, लेफ्ट से 22 और 3 25, 22 और 3 25, अपने किस में आ रहा है, द्वितीय अर्धांश में। तो इसमें भी क्या करना है, 40 में से माइनस करके ही आंसर करना है, यानी कि 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 इक्वल टू कितना आ गया, 15। लेफ्ट से 15वां, लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ, ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर। चलिए इससे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो राइट से 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करना है हमें, यदि वैल्यू राइट से लेफ्ट जा रहा है तो वैल्यू आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी राइट से 8 5 13 और लेफ्ट से 7वां। फिर क्या करना है, फिर वैल्यू राइट से लेफ्ट जा रहा है तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपना, राइट से 13 7, राइट से 20वां। लेकिन हम लोग राइट से हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करना पड़ता है, 27 में से इसको माइनस कर दो। 27 माइनस 20 बराबर 7, यानी लेफ्ट से कितना आ गया, 7। लेफ्ट से कितना आ गया, 7। किस अर्धांश में है, ये प्रथम अर्धांश में, तो किस में से माइनस करना है, 14 में से माइनस करना है। तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 7वां अक्षर जी, जी इज द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से तेईसवें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वैल्यू राइट से राइट है तो आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो राइट से कितना हो जाएगा, ये 23 में से 13 करोगे तो 10, ये 23 में से 13 को माइनस करोगे तो 10। फिर क्या आ गया, लेफ्ट से 9। अब वैल्यू इधर राइट से लेफ्ट जाता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो राइट से कितना हो जाएगा, ये राइट से 19। अब वैल्यू का हम लोग करना क्या है, ए राइट में है तो इसको लेफ्ट में चेंज करना है। तो क्या करना है, 27 में से 19 को माइनस करना पड़ेगा। 27 माइनस 19 बराबर कितना हो गया 8। लेफ्ट से 8, किस में है, प्रथम अर्धांश के अंदर आ रहा है, तो 14 में से माइनस करके आंसर करेंगे। तो 14 में से माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, यानी लेफ्ट से 6वां स्थान एफ, एफ इज द राइट आंसर।
बोथ ऑफ रिवर्स के क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म में दोस्तों दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछता है कि कितने अक्षर होंगे और दूसरा पूछता है कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अपने कितने अक्षर होंगे। क्वेश्चन में पूछेगा कितने अक्षर होंगे, तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। यदि आपसे फर्स्ट पूछता है कितने अक्षर होंगे, क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट माइनस लेफ्ट माइनस वन, राइट माइनस वन, ये इसका फार्मूला होता है। यदि आपसे पूछे कि कितने अक्षर होंगे तो आपको फार्मूला, ये दो फार्मूला होते हैं, यानी लेफ्ट माइनस वन, राइट माइनस वन। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। यदि कितने अक्षर पूछेंगे तो ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेफ्ट माइनस वन, राइट माइनस वन, हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा जो राइट है इसको भी हम लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं, पहले इसको भी हम क्या करेंगे लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, तो हमारा फॉर्मूले में आराम से बैठ जाएगा, ये सेट हो जाएगा। और क्या हो गया, फोर, यानी 27 माइनस फोर बराबर कितना हो गया 23। अब क्या हो गया हमारा, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 23 माइनस वन, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 23 माइनस वन, कितना हो गया हमारा। यदि लेफ्ट लेफ्ट देखें तो 23 में से 3 को माइनस करेंगे कितना होगा 20, लेफ्ट से 20 माइनस वन, लेफ्ट से 23 में से 3 को माइनस कर दिया 20, ये माइनस वन पहले से है तो कितना हो गया, लेफ्ट से 20 में से एक माइनस करोगे 19, लेफ्ट से 19, कितने अक्षर होंगे बीच में 19 अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे 19 अक्षर होंगे। चलिए एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 8वें अक्षर और राइट से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से यानी बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 7वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो चलिए क्या करना है, हम लोगों को करना क्या होता है, पहले फार्मूला हमारा यही होता है लेफ्ट माइनस वन, राइट माइनस वन, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट है तो हम क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। तो ये लेफ्ट को तो आप सीधे सीधे लिख दो और जो राइट माइनस सात, राइट का 7 है, इसको 27 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा अपना लेफ्ट से 20 हो जाएगा। फिर क्या है फार्मूला हमारा, लेफ्ट यानी 8 माइनस 20 माइनस वन। अब क्या करना होता है अपना, ये लेफ्ट रहेगा 20 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 और माइनस वन तो लेफ्ट से कितना हो गया, अब 12 में से एक माइनस कर दो तो 11, कुल कितने अक्षर होंगे 11 अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे टोटल 11 अक्षर होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाहिने और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ये हो गया हमारा लेफ्ट से 12, इसको क्या करेंगे हम, आर को
राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस कर देंगे, तो 27 - 22 बराबर 5। अब क्या होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, लेफ्ट माइनस 1 यानी 12 - 5 - 1। तो 12 में से 5 को माइनस करोगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 7 ए माइनस 1, और फिर 7 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 6। टोटल कितने नंबर अच्छर आएंगे, 6। कितने अच्छर आएंगे टोटल, 6 अच्छर आएंगे। कितने अच्छर आएंगे, 6। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर और दाहिने से ही 11वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो क्या है फार्मूला, क्या होता है हमारा, राइट माइनस 1 यानी 17 - 11 - 1, 17 - 11 - 1 यानी 6 - 1 टोटल इज इक्वल टू 5। कितने अक्षर होंगे, 5। एक रहा दोस्तों हमारा कितने अक्षर होंगे। अब हम लोग सेकेंड टाइप अपना देखेंगे कौन सा अक्षर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा अपना कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों आपसे पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और दाहिने से 10वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। फार्मूला होता है हमारा लेफ्ट बाई टू राइट बाई टू, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम लोग आंसर निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और दाहिने से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से 5वें अक्षर और दाहिने से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, तो फिर करना क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई टू राइट प्लस राइट बाई टू, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, जो राइट है इसको पहले लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, तो आप तो एल लेफ्ट से 5 और राइट से 27 - 10 बराबर 17, तो ये भी क्या हो गया अपना लेफ्ट में चेंज हो गया, यानी लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 17/2। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 17 और 5 कितना हो गया, 22 बटा 2। ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, ग्यारहवा अक्षर कौन सा आएगा, के इज द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाहिने से 25वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, क्या होगा अपना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई टू राइट प्लस राइट बाई टू। अब क्या करेंगे, इस राइट को लेफ्ट में चेंज कर देंगे, तो 27 - 25 = 2 यानी लेफ्ट से 18 प्लस लेफ्ट से 2 बाई टू 18 - 2 20/2 = 10। लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 10वां अक्षर जे, जे इज द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से 3रा और लेफ्ट से 17वें
अक्षर के अक्षरों के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। अब क्या करना है इसको, सीधा सीधा 3 + 17 / 2, 17 × 3 = 20/2, उधमा 20, यानी लेफ्ट से दसवां अक्षर कौन सा होगा, इसका भी यही आंसर होगा, इसका भी यही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।